आज आपको ऐसे गांवों में लेकर चलेंगे जहां के युवा वाकई अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अग्निपथ से कोई समस्या नहीं है। अग्निवीर स्कीम को लेके पूरे देश में अलग अलग राय है। आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेके बवाल भी है, चर्चा भी है, और इसी को लेके हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट प्लान की है। हम एक ट्रैवलॉग ग्राउंड रिपोर्ट पे निकले हैं, एक पूरी यात्रा पे, जिसमें हम अलग अलग उन गांवों को चुन के उन गांवों तक पहुंचेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेना में भर्ती के लिए अभ्यास करते रहते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं। सुबह और शाम की दिनचर्या में, यानी कि 24 घंटे की उनकी दिनचर्या में एक सबसे बड़ा सपना है सेना में शामिल होने का। और उसी सीरीज में आज हम ग्रेटर नोएडा के एक गांव में हैं, जिस गांव का नाम है रौनिजा। गौतम बुद्ध नगर ज़िले में आता है रौनिजा गाँव। और उन बच्चों से भी बात करेंगे, उनके माँ बाप से भी बात करेंगे, और उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार की जो ये स्कीम है उसको लेके वो क्या सोचते हैं। आप क्या सोच रहे हो ये सब कुछ देख के, इस योजना के बारे में क्या मन में चल रहा है, सही है नहीं है? सर, जो ये मोदी जी ने जो योजना चलाई है ये बिल्कुल सही है सर, हम इसके पूरे समर्थन में हैं। ये बिल्कुल सही योजना चलाई है 4 साल की। देखिए सर, जो बेरोजगार हैं, मान के चलिए हम लग गए 4 साल के लिए, और जो हमारे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी आगे 4 साल के लिए रोजगार मिलेगा। और योगी जी ने कहा कि वो पुलिस में भर्ती करेंगे उन बच्चों को, जो आएंगे असम राइफल में भी किया सर, तो बिल्कुल समर्थन में है सर हम इससे। मैं युवा नहीं मानता जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, मैं इनको युवा नहीं मानता सर, क्योंकि सर देखिए जो ये सरकारी चीज़ है, बिल्कुल ट्रेन रही सर, सरकारी बसें रहीं, ये इनको फूंक रहे हैं सर। और ये किस पे जाएगा पैसा सबका? ट्रेन का टिकट बढ़ा देंगे वो तो, ट्रेन का टिकट बढ़ा देंगे, बस का टिकट बढ़ा देंगे, किस पे जाएगा? आम आदमी पे जाएगा पैसा। और भी किसी फोर्स में जा सकते हैं, जैसे यूथ पुलिस है, यूथ पुलिस में टेस्ट दे दो, वहाँ जाओ। असम राइफल्स हैं और भी हैं, उसमें करो। जिसे नहीं करना वो अपना बिजनेस कर सकता है, या कोई अपना और भी काम कर सकता है वो कर सकता है। बाकी मोदी जी ने अपने और फोर्स में जगह निकाली है। ये अब इस सवाल को लेकर जरा जवाब ले लेते हैं कि जो 4 साल का वक्त है वो वक्त क्या आपको लगता है पर्याप्त है, या ये वक्त आपको लगता है थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, ये वक्त 4 साल का जो वक्त दिया है इसे 8 साल का कर देते थोड़ा और बेहतर होता बच्चों के लिए, क्योंकि वे 8 साल के थोड़ी और पूंजी जमा हो जाती और उनका इतने मतलब उनका जो यौवन अवस्था है वो भी समाप्त हो लेती, तो उनका थोड़ा जीवन भी आसान हो जाता उस कमाई से, तो और उनकी जो मैच बुद्धि है वो मैच्योर हो जाती। अब ये बोल रहे हैं 4 साल बाद, 4 साल बाद के लगाइए, किसी भी कंपनी में चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आदमी 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता, वो ही बच्चा 30 लाख प्लस लेके आएगा आपके घर को। दूसरी बात, उसे सर्टिफिकेट मिलेगा अग्निवीर का, उसे कहीं भी आप असम राइफल में हो गया है, SSC में हो गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया है, और महिंद्रा जी ने कर दिया तो 10% आरक्षण, अगर आप में दम है वहां भी तो आप वहां पर रिटर्न दीजिए, रिटर्न के बाद आप कुछ नहीं करना, फिजिकली आप फिट हो, ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, आप जाकर उत्तर प्रदेश की सेवा पुलिस में सेवा दीजिए, आपका स्वागत है वहां। अब हम गांव के उस ट्रैक पर आ गए हैं जहां बच्चे हर सुबह हर शाम पहुंचते हैं, क्योंकि इन बच्चों के दिलो दिमाग में फौज में भर्ती का सपना हमेशा दौड़ता रहता है। हमेशा इनके मन में यही चलता है कि जितनी मेहनत ये करते हैं उस मेहनत का नतीजा एक दिन जरूर सामने आएगा जब ये भारतीय सेना में शामिल होंगे। देखिए सर, हमारा तो एक कार्य है जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। हम अगर ये 4 साल वाला सिस्टम भी नहीं होता, ये अग्निपथ वाला सिस्टम भी नहीं होता, तो हम फिर भी इस कार्य को करते, क्योंकि हमारा तो कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति कुछ करने के लिए। मन में तो यही आता कि
ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए अग्निवीरों का भी। सर देखिए, हम भी देश सेवा के लिए जाएंगे, वहाँ पे 4 साल के लिए जाए, चाहे हम 25% भर्ती हो जाए, चाहे 15 साल 16 साल जितने के लिए जाएं, सर ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनको। सर मैं देख रहा हूँ स्टेटस, भाई सही बता रहे हैं कि स्टेटस लगा रहे हैं कोई तो कि भाई 4 साल बाद आ क्या भैंस चराएंगे अग्निवीर, ये लगा रहे हैं कुछ, कोई कुछ लगा रहा, कोई कुछ लगा रहा है। कोई तो हम में से ही हमारे भाई हैं ये, लेकिन उनको भड़काया जा रहा है ना। भड़काया जा रहा है, कौन भड़का रहा है उनको? आपस में कुछ लोग भड़काते हैं कि विरोध पार्टी के गलत है ये सब, ये 4 साल वाला गलत है, 15 साल वाला ठीक है, इसलिए। क्योंकि तो वो भी तो तैयारी करने वाले ही हैं, लेकिन वो तैयारी छोड़ के आग लगाने में लगे हैं आप। वो तो जैसे उनको भड़काया जा रहा है वैसे चल देते हैं। आग लगाना सही है? आग लगाना सही नहीं है, लेकिन पब्लिक ज्यादा परेशान है ना। परेशान हो गई? हाँ, भर्ती रिटर्न फरवरी से 1.5 साल है पूरी एग्जाम की तैयारी करते करते, और अब उनका एकदम कैंसिल हो गया एग्जाम। हमें एक चांस देखेंगे तो हमारी उम्र ये है, इसके बाद हमारी कोई उम्र नहीं है, कागजों में ओवर एज हो जाएगी, हम क्या करेंगे? देखिए, हम नॉर्मल फैमिली से, हमारे पीछे खर्चा होता है, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, हम कोई मशीन नहीं है, हम 2-2.5 साल से दौड़ रहे हैं, हमारे भी दर्द होता है, पैर दुखने लगते हैं हमारे भी, छाले पड़ रहे हैं पैरों में, हम जब भी दौड़ रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से खर्चा है हमारे पे। सरकार ने बिल्कुल सही नहीं किया, ये हमारे खिलाफ अन्याय है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक करते हैं, हम ऐसा नहीं है, ऐसा कोई देश का वो नागरिक नहीं है जो बसों को ट्रेनों को जला रहा है, वो भर्ती के लायक ही नहीं है। इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि जिनको हमने चुन के वहां भेजा है, हमारी बात उन तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन उस बात को पहुंचाने का तरीका हिंसक नहीं हो सकता, उस बात को पहुंचाने का तरीका आगजनी नहीं हो सकता, ट्रेनों को बर्बाद करके, आग लगा के, गाड़ियों की तोड़फोड़ करके उस बात को नहीं पहुंचाया जा सकता। उस बात को अपने तरीके से पहुंचाया जाना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, और वो बात वहां तक पहुंचे उस प्रभावशाली तरीके से रखना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच वर्जिश बंद नहीं होगी, व्यायाम बंद नहीं होगा, दौड़ बंद नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ अगर किसान है तो दूसरी तरफ वो जवान है जो इस रूप में भर्ती की तैयारी कर रहा है भारतीय सेना में। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, अपने सहयोगी कमर खान के साथ में अमित प्रकाश, जी मीडिया, रौनिजा गांव, गौतम बुद्ध नगर से। तो इन युवाओं को मिलकर आपको बड़ी तसल्ली हुई होगी कि हमारे देश में ऐसे युवा भी हैं जो बहुत समझदार हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सबसे जब आप बात करेंगे तो आपको इस बात का एहसास तो जरूर होगा कि इनके मन में एक खटास तो है, इनके मन में ये बात चुभी तो है, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 4 साल से इसे 8 साल जो है इसकी सीमा कर देनी चाहिए। तो ये सरकार का काम है, ये सारे वो युवा हैं जो आगजनी नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, चुपचाप अपनी बात बता रहे हैं, हमारे जरिए बता रहे हैं। सरकार का काम ये है कि वो इन युवाओं की भी बात सुने, इनके मन में टटोले, और गांव-गांव परिवारों से ये बात होनी चाहिए, युवाओं से ये बात होनी चाहिए कि असल में वो क्या चाहते हैं और इनके लिए क्या बेहतर है, देश के लिए क्या बेहतर है, और भारतीय सेना के लिए क्या बेहतर है, ताकि सब लोग मिलकर एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। ये तो सरकार का काम है, और सरकार को अभी इसमें और होमवर्क करना चाहिए, और ज्यादा लोगों की राय लेनी चाहिए, ऐसे युवाओं की राय लेनी चाहिए।